गुड मॉर्निंग ऑल। आज फ्राइडे है, आज वीकेंड है और मेरी बेटी को आज ट्यूशन है। एक्चुअली उनका समर हॉलीडे स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल हर टीचर बिफोर गोइंग टू इंडिया शी वॉन्ट्स टू गिव सम पोर्शन और उसे थोड़ा सा होमवर्क के लिए असाइनमेंट्स देने वाली है, तो हम अभी जा रहे हैं उसके ट्यूशन्स के लिए। लकीली ये ट्यूशन्स बहुत नज़दीक है एंड हर टीचर इज़ बंगाली एंड शी लव्स यू नो फिश, तो हमारी अच्छी बनती है। और अभी मैंने सुबह में चाय रखी थी, अभी चाय गर्म हो गई है, लेकिन मुझे शायद अभी चाय लेने में और थोड़ा वक्त लगेगा, मैं जाके आती हूँ। और मैं सुबह सुबह आज फ़िश मार्केट गई थी, सॉरी मैं फ़िश मार्केट का शूटिंग नहीं कर पाई, मैं मोबाइल भूल गई थी, लेकिन मैंने अभी शेरी लाया। शेरी इज़ अ लोकल फ़िश और मैंने मैरिनेट करके रखा है। और यहाँ पर मैंने प्रॉन्स रखे हैं जो मैंने मैरिनेशन के लिए रखे हैं। इसमें मैंने थोड़ी ये चटनी डाली है, चटनी मतलब कोरिएंडर, कोकोनट और ग्रीन चिलीज, इसका मैंने पेस्ट बना के जो फ्रिज में रखा था मैंने निकाला है और मैंने सीधा भी इसमें रखा है, क्योंकि मैं प्रिपरेशंस कर रही हूँ तो मुझे सब रेडी चाहिए। ये नमक मैंने निकाल के रखा है, ऑयल निकाल के रखा है। और अभी मैंने और यहाँ पर प्याज और अनियन की अनियन और टमाटर की पेस्ट बनाई है, तो ये मैं अभी तैयारी करके रख रही हूँ। ये सारी चीज़ें रेडी है, मैंने अभी फ्राइडे मतलब बिल्कुल एक हॉलीडे है हमारे लिए मिडल ईस्ट में और हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा कुकिंग करो, अच्छा टाइम बिताओ अपने फैमिली के साथ। और आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं, अभी वो सुबह से कंप्यूटर लेके बैठे हैं क्योंकि उनको अभी ऑफिस का काम ख़त्म करना है, बट नेवर द लेस उनका भी जल्दी ही काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे मेरे प्लान्स जो मैंने लगाए हैं। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा समर है, फिर भी यू कैन सी द प्लांट्स। ये मनी प्लांट है, ये बाम्बू है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये मेरा ये फर्न्स है, नेचा बोलते हैं इसे इंडिया में, वो मैंने लगाया है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे लगता है शायद बहुत सारी मिट्टी, फ्रेश मिट्टी लानी पड़ेगी, और यहाँ पर एज़ यू नो यहाँ पर फ्रेश मिट्टी हमें ख़रीदनी पड़ती है नर्सरी से। और ये मैंने जिंजर लगाया था तो जिंजर आ रहा है, ये मैंगो लगाया था और ये दूसरा शो का प्लांट है, तो मैं आती हूँ और फिर बाद में आपको और सारे डिटेल्स हम बात करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल। आज फ्राइडे है, आज वीकेंड है और मेरी बेटी को आज ट्यूशन है। एक्चुअली उनका समर हॉलीडे स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल हर टीचर बिफोर गोइंग टू इंडिया शी वॉन्ट्स टू गिव सम पोर्शन और उसे थोड़ा सा होमवर्क के लिए असाइनमेंट्स देने वाली है, तो हम अभी जा रहे हैं उसके ट्यूशन्स के लिए। लकीली ये ट्यूशन्स बहुत नज़दीक है एंड हर टीचर इज़ बंगाली एंड शी लव्स यू नो फिश, तो हमारी अच्छी बनती है। और अभी मैंने सुबह में चाय रखी थी, अभी चाय गर्म हो गई है, लेकिन मुझे शायद अभी चाय लेने में और थोड़ा वक्त लगेगा, मैं जाके आती हूँ। और मैं सुबह सुबह आज फ़िश मार्केट गई थी, सॉरी मैं फ़िश मार्केट का शूटिंग नहीं कर पाई, मैं मोबाइल भूल गई थी, लेकिन मैंने अभी शेरी लाया। शेरी इज़ अ लोकल फ़िश और मैंने मैरिनेट करके रखा है। और यहाँ पर मैंने प्रॉन्स रखे हैं जो मैंने मैरिनेशन के लिए रखे हैं। इसमें मैंने थोड़ी ये चटनी डाली है, चटनी मतलब कोरिएंडर, कोकोनट और ग्रीन चिलीज, इसका मैंने पेस्ट बना के जो फ्रिज में रखा था मैंने निकाला है और मैंने सीधा भी इसमें रखा है, क्योंकि मैं प्रिपरेशंस कर रही हूँ तो मुझे सब रेडी चाहिए। ये नमक मैंने निकाल के रखा है, ऑयल निकाल के रखा है। और अभी मैंने और यहाँ पर प्याज और अनियन की अनियन और टमाटर की पेस्ट बनाई है, तो ये मैं अभी तैयारी करके रख रही हूँ। ये सारी चीज़ें रेडी है, मैंने अभी फ्राइडे मतलब बिल्कुल एक हॉलीडे है हमारे लिए मिडल ईस्ट में और हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा कुकिंग करो, अच्छा टाइम बिताओ अपने फैमिली के साथ। और आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं, अभी वो सुबह से कंप्यूटर लेके बैठे हैं क्योंकि उनको अभी ऑफिस का काम ख़त्म करना है, बट नेवर द लेस उनका भी जल्दी ही काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे मेरे प्लान्स जो मैंने लगाए हैं। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा समर है, फिर भी यू कैन सी द प्लांट्स। ये मनी प्लांट है, ये बाम्बू है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये मेरा ये फर्न्स है, नेचा बोलते हैं इसे इंडिया में,
वो मैंने लगाया है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे लगता है शायद बहुत सारी मिट्टी, फ्रेश मिट्टी लानी पड़ेगी। और यहाँ पर एज़ यू नो, यहाँ पर फ्रेश मिट्टी हमें ख़रीदनी पड़ती है नर्सरी से। और ये मैंने जिंजर लगाया था तो जिंजर आ रहा है, ये मैंगो लगाया था और ये दूसरा शो का प्लांट है। तो मैं आती हूँ और फिर बाद में आपको और सारे डिटेल्स हम बात करेंगे, ठीक है। एक्चुअली अभी मैं मेरी डॉटर को ड्रॉप करके जा रही हूँ, यहाँ पर कैमराज में शूटिंग कर रही हूँ। डिफ़िकल्ट है क्योंकि मोबाइल में शूटिंग करना और फिर बाद में उसको एडिट करना इज़ नॉट दैट ईजी। सो मैं आपको दिखाती हूँ आज फ्राइडे में कैसे एटमॉस्फेयर है। बिल्कुल रिलैक्स, अगर आप देखेंगे बाहर तो हर एक जगह पर मतलब गाड़ियाँ पार्क है, सब लोग घर में हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। शायद यहाँ पर थोड़ा ऐसा ट्रेंड है कि थोड़ा सा लेट उठेंगे आज फ्राइडे, फिर प्रेइंग के लिए जाएंगे, जैसे चर्च है, मंदिर है या फिर मॉस्क है, सो वी कैन गो फॉर प्रेइंग। और फिर फिश मार्केट, सेंट्रल मार्केट, लोकल मार्केट्स, यहाँ पर जाके मस्त जाके फिशिंग वगैरह करके लोग रिलैक्सेशन करते हैं। लेकिन अभी समर बहुत ज़्यादा है, बहुत हॉट है बाहर, टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्रीज है। सो यू कैन इमेजिन यहाँ पर लोग आपको दिखेंगे ही नहीं रोड पे। आई मीन इधर दे विल बी इन द कार और दे विल बी इन द हाउस और दे विल बी इनसाइड इन द मॉल्स, क्योंकि 45-50 डिग्रीज में तो आप रास्ते पे चलोगे तो पता है ना आपको क्या हो जाएगा, मतलब इट विल बी लाइक अ स्ट्रोक एब्सोल्युटली। और हीट भी बहुत ज़्यादा शार्प है, मतलब इट्स नॉट लाइक ह्यूमिड, यू नो, टोटली ड्राई। अभी मैं अपने घर जा रही हूँ और लकीली ये जो ट्यूशन है वो मेरे बाजू के बिल्डिंग में है। सो अभी मैं मेरे बिल्डिंग में जा रही हूँ और यहाँ पर सिस्टम डिजिटल है, जैसे अगर मैंने गलती से फर्स्ट दबा दिया लिफ्ट में तो मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ और मैं सिर्फ सेकंड पे जा सकती हूँ। कभी कभी बाय मिस्टेक हम दूसरा नंबर दबा देते हैं। और लिफ्ट में कैमरा भी है तो सिक्योरिटी वगैरह इतनी अच्छी है, ठीक है। और अभी मैं घर जा रही हूँ, दरवाज़ा मैंने ओपन ही रखा था। और आज वॉशिंग, क्लीनिंग, आज बहुत सारे काम है और इनका ऑफिस का काम चल रहा है। सो आई कैच अप, आई कैच यू लेटर ऑन, बाय। टाइम मिल गया अविनाश और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें थोड़ी मदद करूँगा, तुम अगर जो तड़का दे रही हो फिश मसाले के लिए, प्रॉन्स मसाले के लिए, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर लेता हूँ और थोड़ा सा शूटिंग कर लेता हूँ। और 5 मिनट की मदद है उनकी, एक्चुअली उन्होंने सिर्फ बोला है कि 5 मिनट के लिए कर सकता हूँ। सो यू कैन सी मतलब एक लेडी का लाइफ कितना डिफिकल्ट होता है। एक खाना बनाओ और आपको अगर शूटिंग करना है तो आपको मदद भी नहीं है और ऊपर से प्रिपरेशन भी करो, बट नेवर माइंड, मतलब मुझे बहुत एंजॉय मैं करती हूँ। और अभी एक हमारे फैमिली फ्रेंड ने फ़ोन किया था, उनका नाम पवन है, वो भी आ रहे हैं अभी। मैंने बोला फिश बना रही हूँ आप आ जाओ, और उनकी फैमिली वीके मतलब हॉलीडेज के लिए इंडिया गई है। तो क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैंने प्लान किया है कि मैं थोड़ा सा दाल तड़का भी बनाऊंगी और उसमें ये तुरिया डालूंगी। तुरिया इज लाइक इन मराठी वी कॉल इट एज दोड़सो। तो मैंने ऊपर से उसका छिलका निकाल लिया है और इसका मैं चॉपिंग करके, छोटा चॉपिंग करके टमाटर और प्याज इसमें डालूंगी। और प्याज मैं यहाँ रखती हूँ, मैंने थोड़े मार्केट से लेके आई हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं टाइम। और इतने बड़े बड़े आते हैं, अगर इंडिया से आते हैं तो इस तरह का उनका कलर होता है, अगर ईरान से आते हैं तो वाइट कलर के होते हैं, अगर इजिप्ट के आते हैं तो बिल्कुल डार्क पर्पल कलर के होते हैं और वो तीखे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम प्रीफर करते हैं कि हम इंडिया का अनियंस लेके आए जिसका हमारा टेस्ट बना रहे और ज़्यादा तीखा ना हो, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने थोड़ा चावल यहाँ पर भिगो के रखा है, ये चावल मैंने अभी आधा घंटा मतलब सोक करने के लिए रखा है पानी में, और फिर मैं बाद में, ये बासमती चावल है और अभी ये आधे घंटे अगर मैं इस तरह से रखूँगी तो अच्छे से वो दाना फूल के आ जाएगा जब मैं कुक करूँगी। और ये फिश मैंने जो मैरिनेशन के लिए रखा था आधे घंटे से ज़्यादा ऊपर हो गया, मैंने आपको दिखाया था,
तो मैं खुश हूँ कि इसका मैरिनेशन अच्छा हो जाएगा। और एक्चुअली जब मैं वो फ्राई करूँगी तब मैं उसे ये आटा लगाऊंगी। ये राइस फ्लावर है जो मैं इंडिया से लेके आई हूँ, तो ये राइस फ्लावर और सूजी जिसे हम कहते हैं रवा, ये सूजी है, ये मैं एक प्लेट में निकाल के इसे मिक्स करके ये दोनों को मिक्स करके ये फिश उसमें मैं कवर कर लूँगी दोनों साइड से और फ्राई करूँगी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा, पहले ज़्यादा कुछ टेक्निक नहीं करूँगी, आज का खाना एकदम क्विक है। और लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मुझे क्विक खाना बनाना अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करती हूँ, और अगर क्विक खाना बनाती हूँ एग्जॉस्ट की वजह से आवाज़ नहीं आएगी क्लियर, तो मैं बाद में एग्जॉस्ट लगा देती हूँ। हमेशा जब मैं ये करती हूँ फिश मसाला, तो उसमें तड़के में थोड़ा सा ये पहला गार्लिक कूट के डालना है, और वो गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन होना चाहिए, आप नज़दीक आएंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा ब्राउन होना चाहिए, ज़्यादा ब्राउन, क्योंकि इसका जो ज़्यादा ब्राउननेस होता है उससे ये स्मेल अच्छा आता है। अगर आप बिल्कुल उसे प्लेन प्लेन रखेंगे तो वो स्मेल अच्छा नहीं आएगा। अभी इस तड़के में मैं अनियन और टमाटर का पेस्ट मैंने सीधा डाल दिया, और जैसे मैंने बोला आपको मैं बिल्कुल सिंपल वाला खाना बनाती हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी हो सके। अभी ये ऑयल और गार्लिक का तड़का हो गया अनियन का और टमाटर के पेस्ट के साथ, और ये कुक होते होते थोड़ा टाइम लग जाएगा डेफिनेटली, लेकिन तब तक फिर मैं, मुझे तो रुकना ही पड़ेगा, और ये तब तक मैं चॉपिंग कर लेती हूँ। ये मैंने निकाल के रखा है, ये सारी जो चम्मच है ना इसे हम लोग मराठी में काविलता बोलते हैं, और ये काविलता बहुत नेसेसरी है जब आप चपाती के लिए यूज़ करते हो या फिश के लिए यूज़ करते हो, मतलब ये चीज़ आपकी ये दूसरे चम्मच से नहीं हो सकती, ये तो सिर्फ करी के लिए हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर जो हमारा चम्मच होता है हमारे कुकिंग के लिए, जो मेरे लकड़ी के और इस दूसरे चम्मच से नहीं चलेगा, यहाँ पर तो मतलब फैशन वाले बहुत चम्मच है, लेकिन हमें ये सारा इंडिया से लेके आना पड़ता है। और आप देख सकते हो मैं अभी चॉपिंग इसके करूँगी, और मैं आज चपाती नहीं बनाऊँगी, मैं चपाती रेडीमेड लेके आऊँगी। अभी जैसे ही ये खाना मेरा बन के तैयार हो जाता है, मेरे मेहमान आने के पहले, मैं यहाँ पर एक सुपर मार्केट है और एक क्या कहते हैं अविनाश उसे, हाइपर मार्केट, केयरफॉर को हाइपर मार्केट, तो केयरफॉर में हमारे यहाँ पर बेकरी है जो हमारे नज़दीक है, तो यहाँ पर फ्रेश खबूस बनता है। खबूस इज़ लाइक अरेबिक ब्रेड, और वो इतना फ्रेश अच्छे से बना के वो देते हैं। एक तो वो मैदे का बनाते हैं खबूस, जो हम मतलब बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और मुझे और मेरे हस्बैंड को वो व्हीट वाला पसंद है जो हमारे गेहूं का आटे का बनता है ब्राउन कलर का, वो भी इतना टेस्टी है। तो अगर आपको चपाती नहीं बनानी है और आपको थोड़ा शॉर्टकट चाहिए, मेहमान आ रहे हैं तो आप लेके आ सकते हैं, ईजी है। तो मेरा खाना तो फिश बन जाएगा, थोड़ी दाल मैं ये बनाऊंगी अभी, क्योंकि थोड़ी दाल तो मतलब लगेगी, जिसे हम बोलते हैं पुरोठा के लिए तो लगेगी। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड पुणे के हैं, तो उनके यहाँ पर ऐसा है स्टाइल कि आप जब फिश फ्राई करते हो उसके साथ जो भी और एडिशनल तड़का है आपका, उसके साथ उनको दाल चाहिए और चावल चाहिए। मैं कोंकण से हूँ, मालवन से, तो मैं क्या करती हूँ, हमारे लिए फिश ग्रेवी होती है, फिर एक फिश सूखा बनता है थोड़ा मसाला टाइप, फिर फिश फ्राई बनता है, फिर स्टीम राइस और चपाती होती है, लेकिन इनके यहाँ पर दाल मस्ट है। अभी उनके मुंह में भी पानी आ रहा है और मेरे मुंह में भी, अभी हम लोग वो जो डायलॉग था ना हेरा फेरी वाला, ऐसा मस्त फिश फ्राई करके खा जाएंगे हम लोग। तो अभी ये मेरा ग्रेवी बन रहा है, और आप देख सकते हो अच्छे से स्टीम निकल रहा है इसका, और मुझे ये पूरा सुखाना नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली ज़्यादा सुखाएंगे तो एकदम ड्राई हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा तेल निकलना चाहिए बाजू से, लेकिन वो पकेगा क्योंकि इतना ओवर कुकिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसका कच्चापन का स्मेल निकल रहा है, बहुत टेस्टी हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई, ये ना ये होता है आगुर, इस ये होता है कोकम आगर,
तो ये इंडिया में बनता है, ये एक फ्रूट होता है, वो फ्रूट आप यहाँ पर देख सकते हो रेड कलर का, और इसका पल्प निकाल के इसमें से ना अगुड़ बनाते हैं, धूप में सुखा के पानी डाल के। और ये आपका, आप कोकम शरबत बोलते हो या इसको आपने देखा होगा इंडिया में भी आप कोकम शरबत पीते हो, तो ये है। तो इसमें अगर शक्कर डालोगे और थोड़ा सा जीरा वगैरह दे के उसका कोकम शरबत बनता है जो मीठा है, और जो धूप में समर में आपको पीना ही पीना है, आपका पूरा डाइजेशन अच्छा रखेगा। और जैसे हम लोग फिश बनाते हैं, मेरी मम्मी तो हर एक फिश में डालती है, करी में डालती है, फिश फ्राई करने के वक्त डालती है, मैरिनेशन में डालती है, हर एक चीज में डालती है। मुझे सब में पसंद नहीं, लेकिन मैं थोड़ा अभी प्रॉन्स में डालूंगी। और ये मैं इंडिया से लेके आती हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे इसका कलर इतना खूबसूरत है। अगर आपका, आप इसका जूस बना के पियोगे ठंडा ठंडा शक्कर वगैरह डाल के, तो अमेजिंग लगेगा। हम लोग बचपन में इसे ऐसे ही नमक के साथ भी पी जाते थे, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है ना। आज मैं शायद इन लोगों को बना के दे दूंगी थोड़ा, हाँ खाना खाने के वक्त, तो ये खुश हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया की डेलिकेसी है मालवण की, और जो यहाँ पर मिलती है तो लोग तो मतलब दे विल वेट फॉर दिस। और आज हल्का फुल्का खाना है। मैं सोच रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, मैं पूरा ये फिश फ्राई करने की जगह पर अगर इसे कट करूँ तो क्या चलेगा, या मैं पूरा फ्राई कर दूँ इस तरह से? वो बोल रहे जैसे तुम्हें अच्छा लगे, तो मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करना है, क्योंकि ये ना हो कि फिश अंदर से कच्चा रहे। या फिर मैं ग्रिल भी कर सकती हूँ, एक प्लेट में डाल के अगर मैं ग्रिल कर दूँगी तो ऑयल भी नहीं लगेगा ज़्यादा, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इसे ग्रिल कर दूँगी, क्योंकि ग्रिल है देखिए यहाँ पर, तो ये मेरा काम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे ये, और आप घर में जो मेस है उसे नहीं देखना प्लीज़, क्योंकि मेस तो मैं थोड़ी देर के बाद क्लियर कर दूँगी। तो ये ग्रिल में मैं अगर फिश लगा के यहाँ पर अच्छे से डाल रही हूँ तो ऑयल भी कम लगेगा और मेरा फिश फ्राइंग का वक्त भी बच जाएगा डेफिनेटली। और मैं इसे अभी ऑन करने के लिए छोड़ दे रही हूँ, देख सकते हो 15 मिनट के लिए ऑन कर रही हूँ। जैसे ही ऑन हो जाएगा और तैयार हो जाएगा मैं इसमें फिश रख दूँगी। मसाला और मैरिनेशन तो मेरा पहले से तैयार है, तो ये तो मतलब एक जो आ रहे हैं मेहमान वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि तो फ्राई वगैरह तो हम लोकली मतलब हमेशा करते ही है। तो इस तरह से अगर मैं लगा के, और ये सबसे ज्यादा ब्लेसिंग है ना, ग्रिल में आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और मैंने देखा है, मैं कुछ कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखती रहती हूँ, तो आज तो चलो फिश बनाने का एक मूड है, लेकिन इसके पहले मैंने एक बार पूरा मटन का लेग लाया था, मटन पीस नहीं एक पूरा लेग, और उसे अच्छी तरह से मैरिनेट करके बहुत अच्छे मसाले डाल के पूरा उसको ग्रिल किया था। तो अभी एक बार फिर से वो करेंगे, देखते हैं। और अभी इसके लिए तो ये मेरा ग्रेवी अच्छे से पक के तैयार हो गया, आप देख सकते हो इसमें से पानी निकल गया पूरा, और बाजू से भी तेल छोड़ रहा है। तो इस तरह से अगर ये अच्छे से हो जाता है तो इसमें अभी प्रॉन्स को पकने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो प्रॉन्स मसाला है। और जब तक मेरी बेटी भी ट्यूशन से आती है तब तक मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ। और मैंने इसमें ऑलरेडी मसाले बहुत सारे डाले हैं, फिर भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत है ना, क्योंकि हमें मसाले तो चाहिए होते हैं। तो पहले तो मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल दूँगी जो कलर इसको देगी, और दूसरा मसाला मेरा जो इंडिया का है जो अभी बिल्कुल ख़त्म होने को आया है, ये मेरा होममेड मसाला है। और मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मेरे हस्बैंड इंडिया गए थे तो मेरे मम्मी ने और मेरे ननन ने पुना के और कोंकण के इतने सारे मसाले मेरे लिए गिफ्ट में भेजे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब खुशी के मारे में समा नहीं पा रही हूँ। अगर वो सिर्फ मसाले मैं आपको दिखाऊंगी तो आप खुश हो जाएंगे। देखिए ये सारे बॉटल्स जो मसाले की है, अभी तक तो मैंने ओपन भी नहीं की है, और मैंने सोचा था एक दिन मैं इसके लिए एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी सेपरेट, क्योंकि आप जब इंडिया से बाहर रहते हो और आपको कोई इस तरह से गिफ्ट भेजता है, वो भी स्पेशली आपके मसाले जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों का खाना ना अलग अलग तरीके से बनता है, अगर आप देखोगे तो गुजराती लोगों के खाने में ज़्यादा मसाला नहीं होता है, बहुत हल्का मसाला होता है और उनका लाइट खाना होता है, और मिर्ची वगैरह ज़्यादा होती है मेरी इसमें। ये तो मुझे लगता है मम्मी ने अचार दिया है, तो ये
फॉइल वगैरह है, लेकिन मुझे अभी वो क्लीन भी करना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आई है इंडिया से और धीरे धीरे मुझे वो ओपन करनी है। आज फ्राइडे है इसलिए मैंने थोड़ा सा रिस्क ले लिया। मैंने सोचा मैं ये दिखा देती हूँ आपको क्विकली। और यहाँ पर ये हो रहा है, इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ा इसमें पानी दूंगी और इसको कुक करने के लिए रख दूंगी। और आप मेरा यकीन मानिए, मैंने इसमें सिर्फ कोकोनट चिली, ग्रीन चिली और कोरिएंडर, इसका एक पेस्ट बना के डाला था। दूसरा पेस्ट मैंने आपको दिखा दिया जो था टमाटर, और एक टमाटर और एक अनियन बिग साइज उसका, और ऊपर से मैंने इसमें अपने मसाले डाले हैं। आप जहाँ रहते हो डेफिनेटली, अगर मतलब ये व्लॉग आप मेरा व्लॉग आप इंडिया में देख रहे हो तो आपके पास बहुत सारे मसालों का ऑप्शन है और आप अच्छे से कुछ भी यूज कर सकते हो। बट इफ यू आर आउट ऑफ इंडिया तो आपने सिर्फ टमाटर और इसका पेस्ट, अनियन का पेस्ट, और उसके साथ में अगर ये कोकोनट का जो चटनी होता है उस तरह से डाल देंगे, और आपने सिर्फ आपने पसंदीदा मसाले डाल दिए, इंक्लूडिंग चिकन मसाला भी आप डाल सकते हो, फिश मसाला भी डाल सकते हो, ये परफेक्ट और अच्छा हो जाएगा। अभी मैं इसका फ्लेम बिल्कुल धीमा कर देती हूँ और मुझे इसमें एडिशनली अभी कोरिएंडर बाद में डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें ओवर, ये डिजिटल है और इसमें एक बार आपका आपके हाथ में अगर चिकनाई है तो नहीं चलेगा। और ये जो मैं दिखा रही थी मसाले, मैं अभी फिर से अंदर रख रही हूँ क्योंकि मेरा काम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी वहाँ से मुझे इशारा कर रहे हैं कि उनको जाना है। और आप देख सकते हो सब अलग अलग चीज़ें इंडिया से भर के आई है, मतलब इसकी खुशी मैं आपको बता नहीं सकती। ये चीज़ें छोटी है, ये अचार की डब्बा है या मसाले का एक डब्बा है, लेकिन उसमें जो प्यार है और उसके लिए उन्होंने जो ली हुई मेहनत है, मेरी मम्मी की, मेरी सिस्टर की, मेरी ननन की, वो प्यार से जो मुझे भेजते हैं ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी उसी में मिल जाती है। ओके, मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। और अभी मैं ग्रिल करने के लिए इसमें रख दूंगी। आप एक मिनट, इतनी घाई भी मत करो, तो फिर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है और फिर देखने बोलेंगे इतना फास्ट क्यों कर रहे हो आप। मैं इसमें लगा रही हूँ। हाँ, मुझे अभी आपको बताना है, अगर मैं इसे ग्रिल कर रही हूँ तो मैं इसको इस तरह से ये नहीं कर सकती, रवा और ये नहीं लगा सकूँगी। देखिए कितना खूबसूरत लगेगा, और ये पूरा मेरा मसाले का तेल है जो मैं इस पर लगाऊँगी और छोड़ूंगी, और ये तो करना ही पड़ेगा, तेल के बिना तो ये होगा नहीं। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मैंने मैरिनेशन किस तरह से किया है। जब ये मैरिनेशन मैं करती हूँ, मैंने उसी वक्त उसमें ऑयल देके मैंने मसाले डाले, हल्दी डाली, नमक डाला, और मैंने एक पेस्ट बना ली मसाले की, और वो मैं इसके अंदर भर रही हूँ। अगर आपने मुझे देखा होगा तो मुझे ये पसंद नहीं है कि आप एक चीज़ ले लो, मतलब आप चिकन ले लो या फिश ले लो और उसके ऊपर सब डालते जाओ, ये करेक्ट नहीं है। आप इस तरह से पहले पेस्ट बनाओ, जो भी मसाले की बनानी है उसमें थोड़ा सा पानी या तेल डाल के ये पूरा पेस्ट आप अच्छे से एक बार प्रॉपर बन जाए, फिर वो आप मतलब चीज़ों में लगाओ, मटन हो चिकन हो। तो इसमें देखिए अभी मैं इसके अंदर भर दूंगी ये पेस्ट, तो ये इक्वली लग जाएगी। मैं सिर्फ हाथ से रब नहीं कर रही हूँ इसे, मतलब आप ये भर दो इसके अंदर, तो ये जब पकेगा पूरा अंदर से अच्छे से पकेगा। अभी मैं ये थोड़ा ग्रिल करने के लिए रखूंगी और फिर बाद में आपको दूसरा वीडियो दिखाऊंगी जब ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं एक थोड़ी देर के बाद।